फरीदाबाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लगभग 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पानी की पाइपलाइन का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा बताया कि ये काम करीब 2 महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर लोगों ने पानी ना मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर मूलचंद शर्मा ने सभी कॉलोनी वासियों को आश्वासन देते हुए कहा था कि जल्द ही कॉलोनी में पानी की किल्लत को खत्म कर दिया जाएगा। इनको शिफ्ट जो किया है और ये शिफ्ट की 3.25 करोड़ की लागत से इस पानी पे इस लाइन पे खर्चा हुआ। और जो 25 सेक्टर और रनेड़ा खेड़ा गोची में 23 में अपने 24-25 में जो पानी की समस्या जो हाहाकार मचता था 55 में, तो मैं मानता हूँ कि पूरा होने के बाद इस पानी का जब पानी वेस्ट होता था, जब पानी की बर्बादी होती थी, इस पानी का सारा लाभ 25 के बूस्टर को मिलेगा। और डस्टवेल इस पर लगाए हैं, डस्टवेल और लगाए हैं, जिससे पानी की मिर्जापुर से और रेनीवेल से पानी का सबसे बड़ा लाभ 25 के लोगों को मिलेगा। और जो पानी बार बार ये FMDA की तरफ से है,